भाजपा ने अपने ही विधायक पूरन फर्त्याल को अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस का आरोप है कि जो भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस का दम भरते नहीं थकती, उसी सरकार के विधायक सदन के भीतर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, जिससे विपक्ष के आरोपों की भी पुष्टि हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी पहले ही दिन से मांग थी कि भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर लोकायुक्त लाया जाए, लेकिन आज तक भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब अपने ही विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन भाजपा के विधायक जी ने जिस दिन सदन चला उस दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर लाने का काम किया और वो चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा से बचना चाह रही थी इसलिए कार्य स्थगन पर चर्चा नहीं हो पाई। और जो विषय था वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए महत्वपूर्ण था कि त्रिवेंद्र सरकार ये कहते हुए आघाती नहीं है कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है।